Hello and welcome to Quick Learners. Today we are going to differentiate between primary memory and secondary memory. So let's start our discussion with our first difference. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को आप एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी में हम डेटा जो होता है टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तो आपका प्रोग्राम और डेटा वहाँ पे तभी तक के लिए रहेगा. जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है या फिर आप अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो वो कंटेंट वहाँ से चला जाता है. इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में आपका कंटेंट परमानेंटली स्टोर होता है. अगर आप अपने प्रोग्राम को या डेटा को एक्सप्लिसिटली डिलीट नहीं कर रहे हैं तब तक आपका कंटेंट परमानेंटली वहीं पर रहेगा, खुद डिलीट नहीं होगा. नेक्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU, विच मीन्स कि CPU आपके प्राइमरी मेमोरी के कंटेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उसको किसी भी वाया चैनल की ज़रूरत नहीं है. जबकि सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU, विच मीन्स कि CPU को अगर सेकेंडरी मेमोरी के किसी भी कंटेंट को एक्सेस करना है तो उसको थ्रू रैम या थ्रू प्राइमरी मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली उस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकता है. नेक्स्ट डिफरेंस, प्राइमरी मेमोरी इज बोथ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल. यहाँ पे मैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब बताना चाहूंगी. वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर आपकी डिवाइस रीस्टार्ट होती है या फिर आप उसको स्विच ऑफ करते हैं और वापस स्विच ऑन करते हैं, उस केस में आपके डिवाइस में जो भी कंटेंट था वो कंटेंट रिटेन नहीं होगा, वो कंटेंट वहां से चला जाएगा. इस तरह की डिवाइसेस हमारी वॉलेटाइल डिवाइसेस होती हैं, जबकि ऐसी डिवाइसेस जो आपको रीस्टार्ट करने के बाद भी कंटेंट को वहीं पर रखती हैं, कंटेंट को डिलीट नहीं होने देती हैं, ऐसी डिवाइसेस हमारी नॉन वॉलेटाइल होती हैं. तो अगर हम देखें प्राइमरी मेमोरी बोथ वॉलेटाइल भी होती है और नॉन वॉलेटाइल भी होती है. जैसे कि आपकी जो रैम है, रैम जो है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, जबकि रोम जो है ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है. ये दोनों ही तरह की मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल है. जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमेशा आपकी नॉन वॉलेटाइल होगी, यानी हमेशा उसमें कंटेंट रिटेन रहेगा, कभी भी कंटेंट खुद डिलीट नहीं होगा. नेक्स्ट डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव. अगर हम कॉस्ट की बात करें या कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव एंड सेकेंडरी मेमोरी इज लेस एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी को बनाने में हम जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं या जिन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं वो अधिकतर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स. इनको यूज़ करते हैं जिनसे क्विकली डेटा को एक्सेस करवाने में और डेटा को क्विकली स्टोर कराने में हमारी मदद करती हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो फास्टर होती है, उसका एक्सेस टाइम कम होता है. जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी अधिकतर मैग्नेटिक कंपोनेंट्स या फिर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स से मिलकर बनती हैं, जिनके वजह से इनका एक्सेस टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि इनको एक्सेस करने में, इनको स्टोर करने में डेटा को समय ज़्यादा लगता है और इस वजह से हमारी डिवाइसेस जो होती हैं इनका एक्सेस टाइम हमारा बढ़ जाता है. तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरी हैं, जैसे कि रैम है, रोम है, टाइप्स ऑफ रोम्स हैं, पी रोम, ई पी रोम और रजिस्टर्स, कैश मेमोरी. ये कुछ डिवाइसेस इस तरह की दिखने वाली आपकी प्राइमरी मेमोरी होती हैं. जबकि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं आपकी हार्ड डिस्क, आपने मैग्नेटिक टेप्स देखे होंगे, इस तरह के कैसेट्स, फ्लॉपी डिस्क. ये सारी डिवाइसेस, जैसे कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस भी हैं जैसे कि सीडी, डीवीडी. ये सारी डिवाइसेस हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो हमने समझे थे विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. आई होप इट हेल्प्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.